नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हॉस्टल में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत और एफआईआर के 13 दिन बाद सलाखों में पहुंचा दाढ़ी वाला शैतान अंकल। सरपंच पति का खूनी खेल, 4 कत्ल, 6 कातिल की इनसाइड स्टोरी भी होगी, कोड नेम वाली ड्रग्स गैंग की कहानी भी सुनाएंगे। ये गिरोह वेब सीरीज का दीवाना है। एक कमरा 3 लाश का राज भी खोलेगा। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। ये खूनी खेल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। काली स्कॉर्पियो में सवार 6 लोग, मोटरसाइकिल सवार 2 शख्स का पीछा कर रहे थे। तलवार से वार करके आरोपियों ने बाइक सवार दोनों शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात को 2 चश्मदीदों ने देख लिया, फिर उनकी भी लाश मिली। सरपंच पति और उसके साथियों का ये खूनी खेल आपके भी होश उड़ा देगा। देखिए, सरपंच पति का खूनी खेल। एफआईआर से पहले डबल मर्डर। रिपोर्ट लिखवाने से पहले हत्या। फिर गाड़ी चढ़ाकर चश्मदीदों का कत्ल। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। चार कत्ल, 6 कातिल। इस इलाके में 11 मई की रात करीब 10 बजे जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। एक साथ 4 लोगों की हत्या की गई, वो भी बड़ी बेरहमी से। कत्ल को जिस तरह से अंजाम दिया गया उससे पुलिस वालों को लगा कि कहीं ये एक्सीडेंट का मामला तो नहीं, लेकिन मामला कत्ल का निकला। काली स्कॉर्पियो तेजी से आई, गाड़ी में सवार कुशलपुरा पंचायत के सरपंच पति राकेश डामोर कार में सवार था, जिसके साथ उसके साथी भी थे। इल्जाम है कि सरपंच पति राकेश डामोर ने साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल सवार वसना और उसके बेटे अरविंद पर तलवार से हमला कर दोनों की जान ले ली। जिसमें फरियादी ने रिपोर्ट की थाने पर, उसमें बताया गया कि स्कॉर्पियो गाड़ी से लेके आए, मर्डर करा है, उसमें 4 लोगों का मर्डर हुआ है और उसमें 6 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। झाबुआ के राणापुर थाना इलाके के बुचा डुंगरी गांव में ये सनसनीखेज वारदात हुई। इस बीच वहीं से मोटरसाइकिल से गुजर रहे कमल और कालू ने वारदात को देख लिया, बीच बचाव करने आए तो आरोप है कि चश्मदीदों को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा। दोनों की स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर जान ले ली। कालू की मौत स्पॉट पर हो गई जबकि कमल ने अस्पताल में दम तोड़ा। दो लोगों से कोई विवाद नहीं था। दो लोग जो बाद में जो आए थे, उनको बाद में उनका देखने के ऊपर जो भी जांच के विषय में आएगा देखा जाएगा। जांच में यह बात सामने आई है कि यह कत्ल का मामला है, एक्सीडेंट का नहीं। अब सुनिए विवाद की वजह। सरपंच पति से वसना और उसके बेटे अरविंद का विवाद हुआ था। दोनों रिपोर्ट लिखवाने के लिए कुंदनपुर चौकी जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनका काम तमाम कर दिया गया। इस विवाद से कमल और कालू का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें बीच बचाव करने की खौफनाक सजा मिली। आरोपियों की तलाश जारी है, शीघ्र गिरफ्तार किए जाएंगे। झाबुआ में सरपंच पति का ये खूनी खेल दिल दहला देने वाला है। झाबुआ में वीरेंद्र राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 8 साल की मासूम गुड़िया जिसने रोते हुए मां को बताया था हॉस्टल में उसके साथ अंकल ने गंदा काम किया। बच्ची ने CWC काउंसलिंग में भी यही बात कही। जब वो शख्स जिस पर बच्ची के साथ दरिंदगी का इल्जाम लगा है बच्ची के सामने आया तो सहमी बच्ची ने कहा, यही है वो गंदे अंकल। देखिए रिपोर्ट। हॉस्टल में हैवानियत। मासूम आंखों में कैद दरिंदगी का राज।
खाने में मिलाया नशीला पदार्थ। एफआईआर में दर्ज कलंक की कहानी। 13 दिन बाद एक्शन में पुलिस। सलाखों में दाढ़ी वाला अंकल। 8 साल की मासूम गुड़िया जिसने करीब 15 दिन पहले मां से लिपटकर रोते हुए जो कहा। मासूम गुड़िया ने रोते हुए मां को बताया था कि उसके साथ दाढ़ी वाले अंकल ने गलत काम किया। पीड़ित बच्ची ने CWC की काउंसलिंग में भी यही बात दोहराई। जब आरोपी को बच्ची के सामने लाया गया तो बच्ची उस अंकल को पहचान गई। मेडिकल रिपोर्ट में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जरूर था, उसमें उसको स्टडी किया जा रहा है। जो भी उसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे जो है इसमें बोर्ड से उसकी राय मांगी गई है, लेकिन जो अभी गिरफ्तारी हुई है वो FIR और बच्ची के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किए जाने पर हुई है। आरोपी पर बच्ची के साथ हॉस्टल में घिनौनी हरकत करने का संगीन इल्जाम लगा है। भोपाल के मिसरौद में बने नामचीन हॉस्टल में पीड़ित परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। हॉस्टल संचालक के छोटे भाई पर दरिंदगी का संगीन इल्जाम लगा। वो उनके ब्रदर हैं जो जिनका हॉस्टल है, उनके ब्रदर हैं ये। वो जो जिनका स्कूल है, जो पहले ओनर थे, अब उनके द्वारा हॉस्टल चलाया जा रहा है, उनके छोटे भाई हैं। FIR के 13 दिन बाद पुलिस एक्शन में आई, आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्ची के बयान, आरोपी की पहचान और FIR के बाद ये एक्शन लिया गया। FIR की जुबानी कलंक की कहानी आपको सुनाते हैं। पीड़ित बच्ची के मां के मुताबिक हॉस्टल में करीब 15 दिन हुए थे बच्ची को आए हुए। 28 अप्रैल यानी रविवार को बच्ची की मां ने बच्ची को वीडियो कॉल किया। पहले तो कॉल कट कर दिया गया। दोबारा वीडियो कॉल पर बच्ची ने मां को बताया कि मुझे ब्लीडिंग हुई और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। बच्ची की मां का इल्जाम है कि बच्ची के साथ हॉस्टल में गलत काम हुआ। आरोप के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बच्ची को बेहोश किया गया था। जब बच्ची को होश आया तो उसने अपने साथ गलत काम करते हुए अंकल को देखा था। उसके बाद जब बच्ची होश में आई तो वो अपने पलंग पर सो रही थी। जो FIR है और जो बच्ची के कथन है, जो उसके द्वारा पहचाना गया है आरोपी को, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। पीड़ित बच्ची की मां का आरोप ये कि बच्ची को डराया धमकाया गया कि किसी को कुछ ना बताए। इल्जाम ये भी कि मां पर समझौते का दबाव बनाया गया। इस मामले में हॉस्टल संचालिका का कहना था कि ये सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। अब FIR के 13 दिन बाद सलाखों के पीछे पहुंच गया है शैतान अंकल। भोपाल में प्रशांत कटारे और वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोड नेम वाली गैंग जिसने रायपुर पुलिस की परेशानी पर बल ला दिया, ये गिरोह वेब सीरीज का दीवाना है। गैंग ने OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज मनी हाइट्स देखी और गैंग के हर एक सदस्य का कोड नेम रखा। ड्रग्स गैंग का सरगना बन गया प्रोफेसर और लेडी पैडलर बनी लूसीफर। नशे के इन सौदागरों की रियल लाइफ की क्राइम सीरीज हम आपको दिखाते हैं, देखिए। एक वेब सीरीज है मनी हिस्ट, इसका जिक्र करना जरूरी है, जिसमें एक प्रोफेसर नाम का सरगना एक मेन आदमी होता है। उसमें कई प्रकार के प्रोफेसर के नीचे पात्र होते हैं, ओस्लो, नैरोबी, मॉस्को, लूसीफर, बर्लिन। वो वेब सीरीज के दीवाने। हर एक किरदार का कोड नेम। मनी हाइस्ट का रियल ड्रामा। सरगना प्रोफेसर, लेडी पेडलर लूसीफर, मालामाल होने का शॉर्टकट। मैरिज गार्डन होटल पर रेड। नशे के सौदागर कितने रास्तार। दिल्ली टू रायपुर ड्रग माफिया पर शिकंजा।
लूट का रियल ड्रामा, जीरो को हीरो बनाने और दुनिया पर छा जाने की वो तरकीब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बनी मनी हाइस्ट वेब सीरीज में बताई गई है, जिसमें किरदार है प्रोफेसर जो लूजर्स का ग्रुप बनाता है, बकायदा उन्हें ट्रेनिंग देता है। लेकिन अब हम इन किरदारों की तस्वीर को पलट देते हैं। अब रियल नहीं बल्कि रियल मनी हाइस्ट का सीन दिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है रायपुर का आयुष अग्रवाल, जिसकी गैंग में लेडी पेडलर लूसीफर भी है। असल नाम कुसुम है। एक वेब सीरीज है मनी हाइस्ट, जिसमें एक प्रोफेसर नाम का सरगना एक मेन आदमी होता है जो बहुत ज्ञानी होता है और अपने नीचे कई लोग को जो विभिन्न प्रकार के अपराधों में जिनकी मास्टरी हासिल होता है उनको मिला के एक टीम बनाता है। उसमें कई प्रकार के प्रोफेसर के नीचे पात्र होते हैं, ओस्लो, नैरोबी, मॉस्को, लूसीफर, बर्लिन आदि। उसी प्रकार से तो ये जो आज हम मामले का खुलासा कर रहे हैं, इसमें भी एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर उर्फ आयुष अग्रवाल उर्फ प्रोफेसर। रायपुर पुलिस के लिए कोड नेम वाली गैंग एक पहली बनता जा रहा था। आयुष उर्फ प्रोफेसर का साथी महेश खड़गा, जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली से ड्रग की सप्लाई आयुष को करता, दिल्ली से ड्रग रायपुर लेकर भी आता। आयुष के अंडर में लेडी पैडलर कुसुम उर्फ लूसीफर और पैडलर चिराग था, उसका भी कोड नेम रखा गया। ये पैडलर ड्रग्स को रायपुर में सप्लाई करते, बकायदा गैंग का व्हाट्सएप ग्रुप बना है। परिचित है महेश खड़का, जो रहने वाला है दिल्ली का और मूलतः नेपाल का, और दिल्ली से ये MDMA ड्रग्स कोकीन आयुष को सप्लाई होता है। आयुष के नीचे कई एजेंट हैं, जिसमें एक कुसुम हिंदुजा और चिराग जो इनके पेडलर का काम करते हैं। कुसुम का नाम है लूसीफर, जो कोड नेम उसको दिया गया है। इसके माध्यम से अलग अलग जगह ये लोग ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। पुलिस को इस नेक्सस की खबर लगी। पहले पेडलर पर शिकंजा कसा, धोतरे फॉर्म हाउस के कमरे में रेड डाली गई, कुसुम और चिराग पकड़े गए। उसके बाद पेडलर्स के हलक से पुलिस ने सरगना का नाम उगलवाया। सरगना आयुष और प्रोफेसर को होटल से दबोचा। महेश खड़गा भी पुलिस के जाल में फंसा। इसमें इनके कई सारे हमको बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जिसमें आयुष के अकाउंट में लगातार फ्रीक्वेंट पैसे का आना और पैसे का जाना अभी हमको दिख रहा है। इस पूरे के पूरे नेक्सस को चलाने के लिए ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए थे। असल लाइफ के सरगना प्रोफेसर की गैंग में और कितने किरदार हैं? क्या इस रियल लाइफ की क्राइम वेब सीरीज के और भी पार्ट है? तफ्तीश जारी है। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस घर के कमरे में 3 लाशें मिली। ये लाश पति पत्नी और 2 साल के मासूम बेटी की थी। कमरा अंदर से बंद था, उसी कमरे में मौजूद था मां बेटी का हत्यारा। इन 3 मौतों का राज कैद है सुसाइड नोट में। एक कमरा, 3 लाश, बनी पहली। कमरे में ही था कातिल। पहले पत्नी और बेटी की हत्या, फिर हत्यारे ने किया सुसाइड। वो 16 घंटे सुसाइड नोट में कैद राज। इस परिवार की खुशियों को आखिर किसकी नजर लग गई? ये सवाल सबके जहन में है। पेशे से ठेकेदार जयराम की उसके कमरे में लाश मिली थी। जयराम की लाश फर्श पर थी, इस कमरे में 2 और लाश थी। ये लाश जयराम की पत्नी सुजाता और 2 साल की बेटी जेसिका की थी। देखिए, विगत दिवसों में कुकरी चोली गांव के अंदर हमको 3 लाश मिली थी। वो एक ही परिवार के सब सदस्य थे, मृतक, मृतिका और उनकी बच्ची।
इस मामले के अंदर मौके पर फॉरेंसिक साइंस की टीम, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, मैं एवं स्वयं पुलिस आईजी महोदय, हम सब वहां पे पहुंचे थे मामले की गंभीरता को देखते हुए, और उसमें सभी एंगल्स पर हमने काफी गंभीरता से विवेचना को आगे बढ़ाया। कोरबा के उरगा थाना इलाके केकुरी चोली के भाटापारा में इस वारदात से सब सन्न थे। मृतक जयराम के घर वालों की माने तो दरवाजा अंदर से बंद था, यानी कातिल बाहर से नहीं आया बल्कि कमरे में मौजूद था। मौत से पहले की उन 16 घंटों के बारे में भी आपको बताते हैं। मृतक के घर वालों के मुताबिक जयराम उस दिन पत्नी और बेटी के साथ सुबह पूजा करने मडवारानी गया, दोपहर 1 बजे घर पहुंचा, उसके बाद रात 9 बजे परिवार के साथ खाना खाया, लेकिन अगली सुबह कमरे से 3 लाश मिली। हमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है, उसमें पता चला है कि जो मृतिका थी और बच्ची थी, उनकी गला घोंट के मृत्यु कारित की गई, और जो मृतक जयराम था, उनकी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स या आत्महत्या प्रयास करने में उनकी मौत हुई है। पुलिस की टीम हर एंगल पर जांच कर रही थी। शक के दायरे में कई लोग थे, कहीं ये ट्रिपल मर्डर तो नहीं, लेकिन सीन ऑफ क्राइम से मिले सुसाइड नोट से 3 लाशों की पहेली का राज खुला। जयराम ने पत्नी और अपनी मासूम बेटी की हत्या की थी, उसके बाद खुद की जान ले ली। सुसाइड नोट के मुताबिक एक परिवार की खुशियों के अंत के पीछे पारिवारिक विवाद नहीं था, बल्कि वजह हैरान करने वाली है। सुसाइड नोट के मुताबिक पेशे से ठेकेदार जयराम ने संतोषी जगत का घर बनाया था, जिसे 1,88,000 रुपए संतोषी ने नहीं दिए थे। सुसाइड नोट के मुताबिक जयराम इसी बात से परेशान था, इस बात का जिक्र उसने सुसाइड नोट में किया है और ये भी लिखा कि वो मरने जा रहा है। वहाँ पे एक सुसाइड नोट भी मौजूद था, जिसके अंदर एक संतोषी नाम की महिला से कुछ बकाया धन की मांग की बात मृतक के द्वारा लिखी गई थी। इस पे भी हमने विधिवत जांच करी। मामले में विवेचना करते हुए ये जो महिला है संतोषी सिलियारी भाटा की, इनके ऊपर विधिवत 306 का मुकदमा का केस दर्ज किया गया है और विधिवत कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में आरोपी संतोषी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको दिखाएंगे बीजेपी पार्षद के बेटे की गुंडागर्दी। जो पिस्टल निकालता है एक लड़की की कनपट्टी पर रखता है, लेकिन गोली खुद आरोपी को लग जाती है। आखिर क्यों हुआ फायर, देखिए रिपोर्ट में। बीजेपी पार्षद के बेटे की दबंगई लाइव। लड़की से बात करने पर तकरार। सीसीटीवी में कैद दहशत की ठाए ठाए और निशाना चूक गया। तो जो तस्वीर में नजर आ रहा है, दबंगई दिखाते हुए गुंडागर्दी करते हुए, ये जनाब बीजेपी पार्षद के बेटे हैं सुमित अग्रवाल। ताव और तेवर बताने की जरूरत नहीं, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। 4 लड़के यहाँ नजर आ रहे हैं, यहाँ वो लड़का भी मौजूद है जिसे धमकाया गया था, फरियादी अभिषेक गुर्जर। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है, आरोपी सुमित अग्रवाल को समझाने की ये लड़के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सुमित ने पिस्टल निकाली और तान दी, लेकिन फायर मिस हुआ और गोली आरोपी सुमित के ही पैर में लग गई। हरदा शहर में आज एक ऐसा मामला आया है जिसमें जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी, और इसमें सुमित अग्रवाल आरोपी है और इसमें अभिषेक गुर्जर जो है इसमें फरियादी है। हरदा में कलेक्टर और एसपी बंगले से महज 100 मीटर की दूरी पर ये वारदात हुई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने 307 का मामला दर्ज किया है, जिसके द्वारा बताया गया है कि एक प्रेम संबंधों को लेकर के सुमित अग्रवाल जो है उसके पास गया और उसको गोली से मारने का प्रयास किया, उसमें मिसफायर हुआ और जब दोबारा कॉक कर रहा था तो उसको जो आरोपी है उसी को पैर में गोली लगी है।
इसमें 307 का मामला कायम किया गया है और आगे हम विवेचना कर रहे हैं। अब सुनिए इस तकरार, तेवर और गुंडागर्दी की वजह। दरअसल एक लड़की से अभिषेक बात करता था, इस बात को लेकर आरोपी सुमित नाराज हुआ और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। हरदा में प्रवीण तवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।